डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको परचेस और सेल रिटर्न पढ़ना सिखाएंगे। परचेस और सेल रिटर्न के लिए सबसे पहले अपन को लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। एक लेजर बनाएंगे सेल एट द रेट 5% सेल अकाउंट में। एक लेजर बनाएंगे सी जी एस टी ऑन सेल एट द रेट 2.5%, ये जाएगा आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में। एक लेजर बनाएंगे एस जी एस टी ऑन सेल एट द रेट 2.5%, ये भी जाएगा आपके इन ड्यूटी एंड टैक्सेस में। एक पार्टी बनाएंगे रमेश एंड सन्स के नाम से, ये हो जाएगी आपकी सैंडी क्रिएटर पार्टी। एक लेजर बनाएंगे सेल रिटर्न के नाम से, ये जाएगा आपके सेल अकाउंट में। एक और लेजर बनाएंगे परचेस एट द रेट 12% के हिसाब से, ये जाएगा आपके परचेस अकाउंट में। एक लेजर बनाएंगे सी जी एस टी ऑन परचेस एट द रेट 6%, ये जाएगा आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में। एक लेजर बनाएंगे एस जी एस टी ऑन परचेस 6%, ये भी जाएगा आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में। एक लेजर बनाएंगे सुरेश एंड सन्स, ये हो जाएगी आपकी डेटर्स पार्टी सैंडू डेटर्स। और एक लेजर बनाएंगे परचेस रिटर्न के नाम से, ये जाएगा आपके परचेस अकाउंट में। यानी पिछली वीडियो में हमने माल को खरीदा था और सेल करा था, अगर उसमें से कुछ खराबी आने के कारण हमारे पास माल आता है तो किस तरीके से उसका रिटर्न होगा, अगर हमारे पास से माल जाता है तो किस तरीके से उसका रिटर्न होगा, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।